कैमरे की क्वालिटी हमारे मज्जू जी बताएंगे। मज्जू जी का फोटो आया अच्छा सा। मज्जू जी कैसा कैमरा क्वालिटी? तगड़ा तगड़ा यार। है ना। आ गया विवेक सिंह का मोबाइल, मतलब नए साल में नए मोबाइल का उद्घाटन करेंगे। अभी रिसीव करने अपन चल रहे हैं नीचे। मोबाइल डिलीवर हो गया आधे घंटे बाद। ओह चलो ऊपर चलो, इसकी अनबॉक्सिंग करना है। आ गया नए साल पे हमारा। नए साल अभी आने वाला है, मतलब 12 बजे रात के बाद आएगी। तब तक फ़ोन आ गया है और ये है M51 सैमसंग का, जिसका कैपेसिटी है, स्टोरेज है 128 GB और इसका रैम है 6 GB। तो इसे अपन करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो ये वैसे मेरा फ़ोन नहीं है, ये हमारे बगल में भाई जी बैठे हैं, इनका फ़ोन है, मेरा नहीं है। ये खुद को गिफ्ट किए हैं नए साल पे। तो इसको करने वाले हैं अपन अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर। शुरू करते हैं अभी टेक्निकल गुरुजी वाले स्टाइल में। बल पे अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी। विवेक अपने शुभ हाथों से फाड़ते हुए इसको नोच डालो। या अब निकलेगा। अरे तू अपने हाथ से निकालो निकालो निकालो। वो क्या पैकिंग है इसकी, ये पूरा पैकिंग। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और पता नहीं ये BSR नंबर भी है जो उसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। बाकी ये सैमसंग का सो कूल, जैसे सब मोबाइल के साथ सैमसंग में जो भी मोबाइल आप लोगे सेम ऐसे ही डब्बे मिलते हैं। तो बस अब डब्बे खोलेंगे। खोलो भाई डब्बे। नहीं खुल रहा है। चाकू लेके आओ। कतई जहर लग रही है ये। लग रहा है कि लकड़ी फोन स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? लग रहा है, लग रही है, लग रहा है, जो भी है, मतलब धांसू स्टाइल में इसको पैकेज किया गया हुआ। देखा भाई गुनेश भाई, तुम बताओ कैसा पैकेजिंग, कैसा? अच्छा वाह, कोई बात नहीं, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है पूरा फोन। क्या प्यारा फोन है। वैसे हम लोग इस फोन की टेस्टिंग कर चुके हैं लैब में, लेकिन मैम की नहीं की होगी, सीरीज का कलेक्ट किया होगा। एम सीरीज का भी क्या, मेड इन इंडिया है ना ये? हाँ यही बना है, मेड इन इंडिया। तो ये मेड इन इंडिया फोन है जिसकी अपन लैब में टेस्ट कर चुके हैं। एयरफोन नहीं दिया होगा। अब देखते हैं डब्बे में इसका क्या क्या है। तो डब्बे में क्या क्या मिला है? चार्जर, एक भाई साहब ये चार्जर है, ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ओपन कर एक मिनट। ये केबल सीट टाइप का जिसके अपन लास्ट ब्लॉग में बात कर रहा था, और ये मोबाइल हमारे नीलेश जी ओपन कर दिए, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा सब में दिखता है सेम डिस्प्ले। और बाकी ये चीज़ें देख लो आप लोग, सिम लगाने का जुगाड़ है, बाकी कुछ पढ़ने लिखने वाला पिक्चर कुछ चीज़ें नहीं मिली। ये पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए है, जो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पहले से पढ़ लिख लिए हैं। अब आएगा मोबाइल विवेक सिंह के हाथ में, खुशी देखो। ओहो नया नया मोबाइल की खुशी। पार्टी भी देंगे आज, पार्टी भी देंगे ना नए साल, जो आप ही के मोबाइल की पार्टी की वजह से चलेगी हमारी शुरुआत, इसी की पार्टी की वजह से होगी। कोई बात नहीं, सब पॉलिसी मारो। तो इसका एक्चुअल जो प्राइस है अमेजोन पे उसका है 22,999 रुपये। 1 रुपये फिर इन्होंने हमें रिटर्न कर दिए हैं, ताकि पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग 99 का चक्कर। तो भी विवेक सिंह हमारे कुछ कुछ आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं बेचारे, वाईफाई का कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपन चेक करेंगे इसका कैमरा क्वालिटी वगैरह कैसा है, बाकी सब चीज़ें देखेंगे। अभी सिम भी लगाएंगे भाई साहब, नया नया फ़ोन है तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने लिया था। थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा हैवी है। हाँ, और एक और बात, इसके अंदर 7000 mAh की बैटरी है भाई साहब। बैटरी है ना इसलिए हैवी है। 7000 mAh की बैटरी, पहले बता दूँ आप लोगों को, इतनी मतलब देखते हैं इसका बैटरी बैकअप। अगर 7000 mAh की है और उस हिसाब से अगर चलेगी, तो अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो कम से कम 3 दिन तो चली जाएगी। है 2-3 दिन तो चली जानी चाहिए नॉर्मल यूज में, 2 दिन आराम से। बाकी अगर जो गेम के शौकीन लोग हैं उनके लिए तो
उनके लिए भी बेटर ही है गेम वगैरह के लिए। बाकी देखते हैं इसमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट टच है। अच्छा हाँ, ये नया वाले लुक दे रहे हैं। ये फिंगरप्रिंट टच अनलॉकिंग के लिए भी है, लॉक करने के लिए भी यही है साइड में। हाँ दोनों यही है ना, कि अगर आप मैक्सिमम 90% या 92% पर जाता है तब जाके ये 5 वोल्ट पे, ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाती है 5 वोल्ट पे। अगर आप 0 से 92% या 93% तक चार्ज करोगे वो आप लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमने टेस्ट किया था तो इसमें शो कर रहा था कि ये 0 से 92% या 93% तक चार्ज करोगे तो ये 9 वोल्ट लेता है, और जैसे ही 93-92 के ऊपर जाता है तो ये खुद ब खुद स्विच हो जाती है 5 वोल्ट में। ये फास्ट चार्जर है, तो ये सुपर फास्ट चार्जिंग का जो सिंबल दिख रहा है आप लोग, तो ये मोबाइल को जल्दी जल्दी से चार्ज कर देगा जल्दी से, और आराम से आप लोग बाद में यूज कर सकते हो। बाकी कैरी करने के लिए इसका एडाप्टर और जो केबल है वो ज़्यादा हेवी नहीं है, ठीक है ओके। अगर मोबाइल के हिसाब से अगर देखो आप लोग तो सही है मोबाइल, अगर आप इतना देख लो ये मोबाइल पूरा और ये, तो मोबाइल के हिसाब से सही है इसका चार्जर वगैरह। तो ये जो पूरा अपना नया सा मोबाइल है भाई का, तो इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले है, थोड़ा बड़ा है बट काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर अपन देखते हैं तो भाई इसका पासवर्ड तू लगा दिया भाई, पासवर्ड क्या है पता जल्दी। इसका कैमरा दिखा। हाँ मैं कैमरा के बारे में बता रहा हूँ, कैमरे लोग मतलब पहले कैमरा देखते हैं आजकल, तो कैमरा है भाई इसका सामने वाला जो होता है जिसमें सेल्फी लेते हैं मुँह बना के वो है 32 मेगापिक्सल का, और पीछे जो इसके चार कैमरे आप लोगों को दिख रहे हैं, तीन चार है ना, ये है 64, फिर एक 12 है और प्लस 5, फिर प्लस 5, यानी कि चार कैमरे पीछे दिए हुए और आगे फ्रंट कैमरा है जो 32 मेगापिक्सल का है। बाकी ये पासवर्ड क्या है भाई इसका? वाओ देखो लौटा तब तुरंत भाई लगा दिया भाई, गलती से मैं अनलॉक कर दूंगा फिर। हाँ खोलो इसको, गुड। और ये जो अभी देख लेते हैं इसका कौन सा एंड्रॉयड है, लेटेस्ट होना चाहिए इसमें एंड्रॉयड 10। सेटिंग में चलते हैं और उसके बाद आते हैं अबाउट में, अबाउट, और ये बाकी सब पता नहीं ऊपर की कुछ चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, एंड्रॉयड, ये देख लो आप लोग लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड 2, कोर वर्जन 2.1, बाकी चीज़ें पता नहीं क्या क्या लिखे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें जानना भी नहीं है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, ये चार कैमरे हैं उसकी टेस्टिंग करनी है और एक फ्रंट कैमरा है उसकी टेस्टिंग करनी है। तो अपन अब जो भी वीडियो शूट करेंगे इसी कैमरे से करेंगे, उसके बाद अपन डाल देंगे इस वीडियो के लास्ट में जो भी फोटोज वगैरह लेंगे या फिर वीडियो लेंगे। तो आप मैं शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल है हमारे पास जो नए वाले हैं M51 सैमसंग का, उससे ये वीडियो पूरी शूट हो रही है। तो आप लोग क्वालिटी देख लो, ये फ्रंट कैमरे की है और बैक कैमरे की क्वालिटी मैं नीलेश भाई के फेस से शूट करूँगा, वो भी देख लो आप लोग। ये हमारे बैक कैमरे के सामने नीलेश जी हैं, नीलेश हाय बोलो यार, से हाय, गुड। तो ये 64 मेगापिक्सल वाले क्वालिटी कैमरे से ये शूट हो रहा है, और जिनका मोबाइल है पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ओवरऑल जो है इस कैमरे की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, आजकल लोग जब भी जाते हैं शॉप पे पहले कैमरे ओपन करते हैं मोबाइल की, उसके बाद देखते हैं कि भाई कैमरा कैसा है, उसके बाद ही मोबाइल लेते हैं। इवन मैं भी, मतलब सब लोग में मैं भी आता हूँ, मैं ऐसा छूता इंसान नहीं हूँ जो मैं चेक नहीं करता। तो मोबाइल कैमरे की क्वालिटी मुझे भी, रात है मतलब रूम में 3-4 लाइटें जल रही है, इस वजह से थोड़ी बहुत रोशनी है ज़्यादा, ताकि मुझे वीडियो शूट करनी थी इस वजह से। बाकी जो अभी देख के फोटो वगैरह सब ऐड कर देता हूँ, देख लो आप लोग नाइट मोड में ही, दिन मोड में तो करेंगे नहीं क्योंकि भाई साहब मोबाइल है तो यूज करेंगे, नए नए मोबाइल है तो फोटो का क्वालिटी कैसा होता है। तो अपन इस ये जो पूरा होल वीडियो जो बनी है पूरे के पूरे इस अनबॉक्सिंग की, वो आप लोग देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई के जो हमारा नया मोबाइल है भगवान करे 2 साल चल जाए, अच्छे से चला ले, और मेरे जो भी वीडियो है उनको आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको भी मोबाइल लेना है 22999 मतलब 22999 में 1 रुपये कम, वो आप लोग खरीद लो। अभी तक ओवरऑल सही है, मैंने हमारी लैब में इसकी टेस्टिंग भी हुई है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सब्सिट टेस्टिंग जो भी होता है हमने किया है, तो ओवरऑल सही है। तो मोबाइल का अनबॉक्सिंग हो गया, कैमरा चेक हो गया, कैमरे की क्वालिटी हमारे मज्जू जी बताएंगे, मज्जू जी का फोटो आया अच्छा सा। मज्जू जी कैसा कैमरा क्वालिटी? तगड़ा है ना, मेरे जैसे बंदे में यार गोरा कर दिया। अबे गोरा करना मतलब वीवो ओप्पो नहीं है, मतलब जो भी है कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। और ये अभी नीलेश भाई हमारे फोटो ले रहे हैं उसी मोबाइल से, जिनका मोबाइल वो चुपचाप से खड़े हैं, उनको पता है कि अभी हमें मोबाइल मिलेगा नहीं, कुछ भी कर ले।
तो ये ब्लॉग, यही ब्लॉग नहीं, ये अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। हाँ भाई क्लियरिटी देखो, मतलब पूरा एकदम मूछ, अबे मूछ दाढ़ी सब देख रहा हो, पूरा मूछ दाढ़ी भाई का सब निकाल, पूरा क्लियरिटी चेक कर रहा है पूरे का पूरे। सही है ना, क्वालिटी काफी अच्छी, पिक्सल फट नहीं रहा। तो बस इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग इतना ही, ओवरऑल सबको मोबाइल पसंद आया। आई होप जो भी आप मोबाइल आप लोग यूज कर रहे होंगे, जितने भी लोग यूज कर रहे होंगे अभी तक, उनको भी ये मोबाइल पसंद आई होगी। तो इस ब्लॉग में बस इतना, इस ब्लॉग फिर यार ब्लॉग 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 अनबॉक्सिंग वीडियो ये पे कंप्लीट। जिन लोगों को मोबाइल लेना है वो खरीद ले, क्योंकि अच्छी है, क्वालिटी भी सही है। पोर्ट्रेट मोड में अभी जो भी जितने भी जो जार हमने फोटो लिए है वो फोटो डाल दिए देंगे वीडियो के लास्ट में, आप लोग देख लेना, अगर पसंद आए तो ही लेना। ये नहीं मैंने सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी मेरे हिसाब से ये फ़ोन बढ़िया है, क्योंकि इस मेरे ही लैब में इस फ़ोन की टेस्टिंग भी हुई है और मेरा दोस्त खरीदा भी है। तो बस इस अनबॉक्सिंग वीडियो में इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, आपके पूरे परिवार को। मिलते हैं फिर मेरे ब्लॉगिंग वीडियो में, आप लोग देखते रहो कैसी है, क्या नहीं है। थैंक यू।